गुजार करो, हमारी पेमेंट गुजार करो, हमारी पेमेंट गुजार करो, वी वांट जस्टिस, हमारी पेमेंट गुजार करो, हमारी पेमेंट गुजार करो, बोल बात। अभी तक तो फिलहाल हम गवर्नमेंट जी, मेरा नाम रियाज अहमद कादरी है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ JKTDC का, और हमारा प्रोटेस्ट जो है आपको पता ही है पिछले 8 दिन से बिल्कुल जारी है, और हम पीसफुली TRC में भी कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और आपके माध्यम से भी प्रेस कॉलोनी में भी 2-3 बार आए, लेकिन अभी तक जो हमें कोई पुरसन हाल नहीं आया, कोई नहीं आया पूछने। हम यही कह रहे हैं कि 2014 में जो हमने काम किए हैं बिल्कुल इनका एसेट बनाया, जिसका रेवेन्यू इनको जनरेट हो गया, काफ़ी प्रॉफिटेबल कॉरपोरेशन है। अभी तक जो हम आला अधिकारियों से मिले हैं उनके माध्यम से हमें इतना ही पता चला, वो बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से जो है प्लान में पैसे मांग रहे हैं, और गवर्नमेंट बोल रही है कि इनको कॉरपोरेशन को जो अपना रेवेन्यू आता है उससे पैसे देने हैं। तो हमारा जो मसला है, हम तो परेशान हैं, हम तो भीख मांगने नहीं आए हैं, जो हमने काम किया है, जो हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ रेस्टोर की है उसके रिलेटेड हम इन लोगों से बोल रहे हैं कि हमारा जो मसला है वो जल्दी हल करो। इस बार आपने, जी आपने MD से भी मुलाकात करी थी, तो जी MD साहब से भी मैंने मुलाकात करी थी, वो यही बोल रहे हैं कि जो मैंने फाइल ऑलरेडी सेक्रेटरेट डाली है, हमने पहले भी बोला जो सेक्रेटरेट में फाइल है वो किस वजह से वहाँ पर है हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे जो कागज़ है वो बिल्कुल 100% है। और जब हमने सेक्रेटरेट के जो आला अधिकारी है उनसे भी मुलाकात की, उन्होंने पैसे देने के बजाय एक कमेटी तश्कील दी जहां से जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव आ गए, उसके बाद भी कोई अप्रोच उन्होंने नहीं दिया। इस जमन में जो जब तक हमारे पैसे वागुजार नहीं होते हैं तब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी और सारी रहेगा, और जैसा कि इन अखबार में भी आया था JK कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी गुलाम जिलानी पुरजा, और हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी शेखबाग से है जहां से तसदुक हुसैन लावे साहब और जनाब फारूक अहमद डार साहब जो हमारे प्रोटेस्ट में इससे पहले भी शामिल रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो मसला है ये पूरे कश्मीर में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका जो बेचारों के पैसे हैं, बैंकों के कर्जे हैं, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमारे मार्केट ड्यूज कितने हैं, इसकी वजह से कितनी बेकारी छाई है। हम फिर से एक पीसफुली गुजारिश कर रहे हैं गवर्नर साहब से, बिल्कुल पीसफुली गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं था सड़कों पर आने का, हमने काम किया है, हमारे पैसे दे दो ताकि हम फिर से सड़कों पर आने पर मजबूर ना हो जाए, और जब तक हमारी पेमेंट बागुजार नहीं होती है तब तक ये जो प्रोटेस्ट है।